मन तो करता है तो मैं 24 घंटे इसी तरह प्यार करता रहूं। 2 घंटे कम थे क्या प्यार करने में? हाँ अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, कल हमारे घर में मेहमान आने वाले। वंदना दीदी आ रही हैं क्या? फिर तो उनके लिए मुझे कुछ स्पेशल खाने में बनाना पड़ेगा। आप भी ना हमेशा मुझे इतना लेट बताते हैं। ये क्यों, तो बड़ी दीदी हैं आपकी। अरे दीदी नहीं आ रही है तो ऊपर वाले कमरे के लिए किरायेदार मिल गई है। सब ठीक रहा तो कल उसे कमरा दे देंगे किराए पर। लड़की है तो इसी बहाने तुम्हें भी कोई मिल जाएगा बातें करने के लिए। ऐसे भी तुम्हारी बातें खत्म कहाँ होती हैं दिन भर। आप भी ना हमेशा से मेरी खिंचाई करते हैं। कितना लेट हो गया, चलो अब सोते हैं। हाँ देखिए शर्मा जी, हम तो मामूली से दुकानदार आदमी हैं और आप तो जानते ही हैं आजकल लोग ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग करने लग गए हैं, दुकानों पर उनका आना ही कहाँ होता है। आप एक काम कीजिए, आप ना डायरेक्टली शॉप पर आ जाइए, वहीं बैठ के बात हो जाएगी, ठीक है? ओके सुरेखा, जल्दी जाने के चक्कर में ना आप कभी नाश्ता अच्छे से नहीं करके जाते। अरे भाई शर्मा जी आने वाले हैं माल लेकर शॉप पर, इसलिए तो आज जल्दी जाना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं आप, फोन उठा लीजिए ना। अरे भैया जमीन के पैसों के लिए फोन कर रहे होंगे, दिन रात फोन करके परेशान करते रहते हैं मुझे, समझ नहीं आ रहा उनका मेरे को कुछ। देखिए ना आप सीधे साधे आदमी हैं और आपके भैया, भैया तो कितने गुस्से वाले हैं, अगर उनका फोन नहीं उठाएंगे तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। सारे फसाद की जड़ ना वो आपकी खानदानी जमीन है, बेच दीजिए उसे और दे दीजिए उनको उनके हिस्से के पैसे। देखो सुरेखा तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं जानती कि कुंज भैया को ना अपने हक से ज्यादा पैसे चाहिए, एक नंबर के लालची आदमी है वो, इसलिए मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा, समझी तुम? अरे लगता है वो लड़की आ गई, हमारी नई किराएदार। चलो चलिए। अरे जानवी जी आप। हाय। हेलो, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है सुरेखा। नमस्ते। नमस्ते। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर चलिए। सॉरी वो ट्रैफिक की वजह से मुझे आने में लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अब कहाँ कोई समय पर पहुंच पाता है। ऊपर वाला कमरा तैयार है आपके लिए, एक बार देख लीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सुरेखा को बोल दीजिएगा आप। जी थैंक्स, वैसे मुझे मेरे कमरे में बस शांति और सुकून चाहिए, वो क्या है ना मेरा ज्यादातर काम घर से ही होता है। हाँ घर से? वो कैसे, घर से काम कैसे होता है? हमारे पति तो रोज 12 से 14 घंटे काम करते हैं पर उन्हें उसके लिए दुकान में जाना पड़ता है। सुरेखा जी सबका अपना अपना काम करने का अलग अलग तरीका होता है, आपके पति पूरे दिन दुकान में खड़े रहकर काम करते हैं और मेरा काम घर पर आराम से लैपटॉप के सामने हो जाता है। हम भी देखना चाहेंगे कि लैपटॉप पे काम कैसे होता है। जी जरूर। चलिए ना मैं आपको पहले कमरा दिखा दूं, नहीं तो सुरेखा सवाल पे सवाल पूछती रहेगी। आइए जानवी जी ये रहा आपका कमरा, हम सफाई करवा देंगे और आपका सामान रखवाने में भी मदद कर देंगे। थैंक यू सो मच। देवधर जी मुझे आपका रूम बहुत अच्छा लगा, बस इतनी कोशिश कीजिएगा कि मुझे यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए जानवी जी, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, वैसे भी इस घर में मैं और सुरेखा ही रहते हैं बस, हम तो सुबह दुकान चले जाते हैं फिर दिन भर सुरेखा अकेली होती है घर पर। बाकी आपने जो रेंट कहा है
वो मुझे मंजूर है। मैं अपना सामान कल शिफ्ट कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, तो जब आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी ना, तो तब हमें बताना कि आप वो घर पे रह के काम कैसे करती हैं, हाँ? थोड़े पैसे हम भी कमा लेंगे। क्यों? जी जरूर, लेकिन एक शर्त है, सिखाने के पैसे लूंगी मैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की। अरे थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है जानवी जी, अब तो वैसे भी आप हमारे ही घर का हिस्सा हैं। चलो आप दोनों बातें करो, हमें दुकान जाना है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप सुरेखा को बोल दीजिएगा। जी सुरेखा, हम दुकान जा रहे हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखना तुम। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी जानवी जी, क्या आपकी शादी हो गई? नहीं। एक और बात पूछूं? हाँ। जो काम आप यहाँ पे रह के करने वाली हैं, वो तो अपने घर से भी कर सकती थी, तो फिर ये कमरा किराए पे लेने की क्या जरूरत थी? आप ड्रिंक भी करती हैं? अरे नहीं, ये शराब नहीं है, रेड वाइन है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी होती, आप ट्राई करेंगी? नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं पीती। वैसे हम जो काम करते हैं ना, हमारे घर वालों को पसंद नहीं है, इसीलिए रूम रेंट पर लेकर मैं अपना सारा काम करती। अरे आप घबराइए मत, मैं कोई इलीगल काम नहीं करती हूँ, मैं बस लोगों को बॉडी मसाज देती हूँ और उसके फायदे बताती हूँ। बॉडी मसाज? पर आपके घर वालों को ये काम क्यों नहीं पसंद? दिक्कत उनके सोच की है, उनकी सोच ओल्ड स्कूल वाली है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर ही बनना है। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ से कुछ अलग चाहिए, कुछ अच्छा जिसमें मुझे भी मजा आए। जानवी जी एक बात पूछूं? हम्म। बुरा मत मानना, पर कि बॉडी मसाज देने से आपको क्या खुशी मिलती है? सुरेखा जी, वो मेरे लिए सिर्फ एक बॉडी नहीं, बल्कि उसमें एक इमोशन है, एनर्जी। जब मैं लोगों की बॉडी से पेन रिलीफ करती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, एक सुकून मिलता है। और फिर इस काम का अपने मैं वीडियो भी बनाती हूँ, जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हूँ, थोड़े पैसे कमा लेती हूँ। इसका मतलब कि आपके कस्टमर भी यहाँ आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पार्लर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, मैं बस यहाँ पर वीडियोस बनाऊंगी और कुछ सुकून का वक्त बिताऊंगी। अरे वाह, सच्ची आपका काम बहुत दिलचस्प है। कभी हमें भी अपने हाथों का जादू दिखाइए ना। जरूर जरूर।
अरे सुरेखा जी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना। जानवी जी, आप इस तरह के कपड़े भी पहनती हैं? हाँ, जब योगा करती हूँ तो पहनना पड़ता है। अरे वीडियो कैमरा ये भी रखा है आपने? आप वीडियो बनाने जा रही हैं? हाँ। मैं भी आपकी हेल्प करूँ? आप हेल्प मत कीजिए, आप बस खड़े रह के देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जानवी और मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम जानेंगे कि अपने हिप को शेप में कैसे लाएं। तो जैसा मैं कर रही हूँ ठीक वैसा ही आपको भी करना है, ओके? सबसे पहले अपने हैंड्स को स्ट्रेट करें, देन अपने लेग को स्ट्रेच एंड स्लोली बेंड डाउन। टेक अ डीप ब्रेथ। सेकेंड, ऐसे बैठिए, पैर को पूरा स्ट्रेच कीजिए। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। थैंक यू। शर्माई नहीं, किसी लड़के ने नहीं, मैंने हाथ लगाया। मैं योगा ट्रेनर भी हूं। वैसे आपके हिप को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो क्या है ना, हम औरतें शर्म के कारण अपनी बॉडी को शेप में नहीं रखती और फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्या आप हमें भी योगा सिखाएंगी? Of course. Why not? लगता है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाह, कितना खूबसूरत है ये सब। पर ये सब है क्या? मसाज से पहले की तैयारी। ये सारे एरोमा कैंडल्स हैं, जलने के साथ साथ खुशबू भी देते हैं ताकि मूड अच्छा। शुरू करें? हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी को फ्री करना होगा। इन कपड़ों को चेंज कर लो, एक मिनट। हाँ, इसे पहन लो, जाओ।
भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती सुरेखा। प्यार मर्द और औरत नहीं देखता। मैंने कहा था ना, सब कुछ भूलकर बस इस पल को महसूस करो। एक तो वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से एक कुंज भैया ने परेशान करके रखा है। उनको लगता है कि हम उनसे छोटे हैं तो उनके नीचे दब जाएंगे। उनसे डरने वाले नहीं हैं हम, दबेंगे नहीं उनके नीचे। सुरेखा, सुरेखा, ऊपर से सुरेखा अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन भर उस जानवी के कमरे में पड़ी रहती है। खुद ही जाकर के देखता हूं।
जानवी जी सॉरी सॉरी, गलती हमारी थी, हमें ही दरवाजा नॉक करके अंदर आना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं देवधर जी, इट्स ओके, बताइए क्या बात है। सुरेखा आपके कमरे में है क्या? हाँ वो मेरे साथ ही है। एक्चुअली उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए वो यहीं पर सो गई थी, अभी वॉशरूम गई है। जैसे ही बाहर आती मैं बता देती हूँ कि आप आए। ठीक है, जैसे ही वो आए उसको बोलना कि नीचे आए, मुझे उससे कुछ काम है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? देखो सुरेखा, हमने तुम्हें पहले भी समझाया था और एक बार फिर से बोल देते हैं कि दोस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन किराएदार के साथ नजदीकियां बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इन्हीं नजदीकियों का फायदा उठाकर ये लड़की हमारे पैसे दिए बिना यहाँ से निकल जाएगी और फिर क्या होगा, मुंह ताकते रह जाएंगे हम दोनों एक दूसरे का। देखो तुम बस अपने काम से काम रखो, वो लड़की हमारी रिश्तेदार नहीं है जो दिन भर तुम उसके कमरे में घुसी रहती हो। आप तो जानते हैं हम सारा दिन घर में अकेले रहते हैं और जब आप घर पे नहीं होते बस कुछ देर जानवी जी के साथ बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ देर सुरेखा, मैं जब भी घर आता हूँ तुम उसके कमरे में ही रहती हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि कुंज भैया ने मुझे बार बार पैसों के लिए फोन करके कितना टॉर्चर कर रखा है, और यहाँ जब घर आओ तो तुम्हारे टॉर्चर में अलग से सहूं। तुम खाना लगाओ, हमें भूख लगी है, हम फ्रेश होकर आते हैं। कल रात की बात से उदास हो? कल कुंज भैया की वजह से मैं बहुत गुस्से में था और न जाने तुम्हें गुस्से में क्या क्या बोल दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, रात गई बात गई, अब वापस कब आएंगे? बस एक दो दिन में काम खत्म हो जाएगा तो वापस लौट आऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ वरना ट्रेन छूट जाएगी, अपना ध्यान रखना। छोटे आप यहाँ क्या करने आए भैया? सुन, जाने से पहले ना हिसाब करके जा। मैंने तुझे कुछ बोला था ना और तूने अब तक नहीं किया, अब तो हद हो गई है छोटे। हद तो आपने पार कर दिया भैया। बड़े होने के बावजूद भी मुझे तेरे सामने झुकना पड़ता है, और कितनी बार बेइज्जती हो चुकी है मेरी। अब इस जमीन के पैसों के लिए मुझे घुमा मत, जल्दी से इस जमीन को बेच, 60 लाख मुझे दे और 40 तू रख। 1 करोड़ की जमीन के 60 लाख आपको दे दूं और 40 हम। भैया ये आप अच्छे से जानते हैं कि जमीन हम दोनों के नाम पर बराबर में लिखी गई थी। जब तक आप ये अपने दिमाग में नहीं डाल लेते ना बात, तब तक मैं जमीन नहीं बेचूंगा। देख छोटे, तुझे अच्छी तरह से पता है जो मुझे चाहिए होता है वो मैं लेके रहता हूँ, इसलिए जल्दी से कुछ दिनों में जमीन बेचकर 60 लाख मुझे दे दे, नहीं तो तू जानता है ना इस पिस्टल से मुझे गोली भी चलाना आता है। अरे जा क्यों रहे हैं, आज ही मार दीजिए ना हमको। सुनिए काबू कीजिए अपने गुस्से में, कहा था ना हमने कि बेच दीजिए जमीन, उनके हिस्से के पैसे उन्हें दे दीजिए। अब तुम घबराओ मत सुरेखा, ये तो उनका रोज रोज का नाटक है। मैंने बहुत देखे ऐसे पिस्तौल लेके घूमने वाले, लेकिन ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना भी जरूरी है।
तुम बस अपना ध्यान रखो, ठीक है? आज अपनी सुरेखा को मैं सरप्राइज दूंगा, एक हफ्ते के लिए उसे मनाली लेकर के जाऊंगा। खूब इंजॉय करेंगे हम दोनों वहां, इसी बहाने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? बोलो बोलो सुरेखा। आपको दुख हुआ इस बात की? माफी चाहते हैं, पर जब से छानबी आई थी घर पे, हमें ये एहसास हुआ कि हमारी दिलचस्पी मर्दों में नहीं और तुम्हें, जानवी ने जैसा प्यार हमें दिया वैसे ही प्यार की तलाश हमें हमेशा से थी। चुप रहो तुम, पागल हो गई हो तुम। इस लड़की ने तुम्हें पागल बना दिया है, इसलिए ऐसी घटिया बातें कर रही हो। प्यार सिर्फ औरत और मर्द के बीच में होता है। औरत औरत के रिश्ते को ना प्यार नहीं कहते, अय्याशी कहते हैं, समझी तुम? और हम अपने घर पर ये अय्याशी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवधर जी, हमने हमने सच्चा प्यार किया है, कोई अय्याशी नहीं की, और हमने हमारा रिश्ता बहुत ही सोच समझकर बनाया। ए लड़की, नहीं, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। एक तो तुमने हमारे पत्नी को इस घिनौने काम के लिए बहकाया, ऊपर से हमें सफाई दे रही हो। हम ऐसा नाजायज रिश्ता अपने घर पर पलने नहीं देंगे। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। बचाओ जानवी, जानवी और मेरे बीच में जो भी रिश्ता था हम दोनों की मंजूरी से था, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। जानवी, तू खड़े खड़े अभी भी मुंह देख रही है, तू चल। जानवी, जानवी हमें छोड़ के मत जाओ। चल जाओ मेरे घर से, ले लो अपना सामान, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, निकलो। प्यार के तलाश में हमेशा से थी।
नहीं मर्दों में नहीं। और तो मेहर सुरेखा। अच्छा वह जानवी तुम आ गई। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अब मुझे छोड़ के मत जा। सुरेखा मुझे भी तुम्हारी आदत सी हो गई। देवधर के मना करने के बाद भी मैं तुमसे दूर नहीं हो पा रही। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। बहुत प्यार करते हैं ना एक दूसरे को, एक दूसरे के बिना आप नहीं रह पाए। वादा करो मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं। जानवी देवदर भारी है। चिंता मत करो, वो वैसे भी पी के लुढ़क चुका है। साथी इंस्पेक्टर साहब, दो दिन हो गए, देवदार जी का कुछ पता नहीं चला। हम उनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी तक। हमने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे पति के बड़े भाई कुछ के पास जाइए, उसने कुछ किया होगा। उसने कई बार मेरे पति को धमकी दी थी। अरे एक बार तो बंदूक लेके घर पे आ गया था, और इंस्पेक्टर साहब होली वाले दिन मेरे पति उसे ही मिलने गए थे। और देखता हूँ कि वो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। रुक जाइए, ऐसी हालत में मत जाइए प्लीज। छुओ मत मुझे, तुम अपने इन घिनौने हाथों से ना मुझे छूने की जरूरत नहीं है। तो उस कुंज भैया का हिसाब कर दूं, फिर वापस आके तुमसे निपटूंगा। आप कुंज के पास जाइए, वहां से पता चल जाएगा कि मेरे पति कहाँ है। खुद को संभालिए सुरेखा जी, हमने कुंज को हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर ली है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमें जरूर कुछ पता चलेगा। खैर फिलहाल मैं चलता हूं, और कुछ भी पता लगेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। सुरेखा सुरेखा जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। चलो चलो चलो, सब ले लिया ना।
इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त यहाँ? मेरे पति का कुछ पता चला? सुरेखा जी, हमें तुम्हारे पति की लाश मिली है। किसी ने उनका मर्डर करके उनकी बॉडी को नाले में फेंक दिया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको याद है मैंने कहा था कि मेरे पति के बड़े भाई कुंज, उनका झगड़ा हुआ था उनके साथ और उन्होंने उसको धमकी भी दी थी। मैंने कहा था ना आपको। शक के आधार पर मैंने कुंज को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे जो पता चला तो तुम्हारी ये सारी चालाकी मुझे समझ में आ गई। सर, इनके पति का मर्डर हुआ है और आप ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बातें तो आप दोनों कर रही हैं। हमें सब पता चल गया है। सुरेखा जी और उनके किराएदार यानी कि आप दोनों में संबंध है, और ये बात जब देवधर को पता चली और उसने विरोध किया तो आप लोगों ने उसकी हत्या कर दी। घर के बाहर की सीसीटीवी की फुटेज में सब कुछ दिख रहा है। उस दिन जब देवधर गायब हुआ, उस रात तुम दोनों एक बड़ी सी बोरी में यहां से कुछ तो बाहर लेकर जा रही थी, और हमारे पास एक गवाह भी है जिसने तुम्हें उसी नाले के पास देखा होली की रात, जहां पर देवधर की बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई। ओ, मेरे पति के बड़े भाई कुंज, हाँ, उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की होगी ताकि पूरी जमीन जायदाद उसके अकेले के नाम हो जाए। सच कह रही हूं मैं। अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? ये वीडियो हमें कुंज से मिला है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जब एक दिन वो यहाँ पे देवधर से मिलने आया था तो आप लोग यहाँ पर संबंध बना रहे थे, और तभी उसने ये वीडियो बना ली। अब अच्छा यही होगा कि आप दोनों अपना जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि अपने पति की हत्या, क्योंकि वो हम दोनों को अलग करना चाहते थे, हम दोनों को दूर करना चाहते थे। हम और जानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर देवधर को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, वो हम दोनों को अलग करना चाहते थे। हम दोनों के बीच में आ रहे थे, यहाँ तक कि दारू पी के मेरे साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया, जानवरों जैसा सलूक करने लगे। और उस दिन होली वाले दिन जब वो अपने भाई को मिलने जाने लगे तो उनके बड़े भाई कुंज ने उनके फोन पे यही वीडियो उनको दे दी ताकि वो मेरे पति को ब्लैकमेल कर सके। वीडियो देख लिए छोटे? अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अब जमीन के 60 लाख नहीं, पूरे पैसे लूंगा। अगर 2 दिन के अंदर तूने पूरे पैसे जमीन बेच करके नहीं दिए तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, फिर तुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरा क्या होगा, समझा? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, तुमने मेरी पूरे समाज में बेइज्जती करा दी है। तुम यहाँ खुद आ गई, आज पहले तुझे मारूंगा फिर इसको। आज तुम दोनों का ये घिनौना नाटक मैं खत्म ही करता हूँ। घिनौना आज ही खत्म करता हूँ। मेरी बीवी को फंसाया तुमने, मेरी बीवी को।
मेरी बीवी को फंसाया था। बहुत अच्छा हुआ, अब हम दोनों के बीच की दीवार हमेशा के लिए खत्म है ना जानवी? उसके बाद हमने देवधर की बॉडी को एक बड़े से बोरे में डालकर नाले में फेंक दिया। अब अपनी आगे की प्रेम कहानी जेल में चल के लिखना। ले चलो इन लोगों को।